तो सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री की हुई है, तो यूपीएससी में वैकेंसी निकल चुकी है। पोस्ट का नाम है इंजीनियर सर्विस और वैकेंसी है टोटल दोस्तों वह 457 प्लस वैकेंसी है। और आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो डिप्लोमा और डिग्री मांगी गई है। लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म की वो 22 नवंबर 2024 है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरना है, अगर आपके पास मोबाइल फोन है या फिर आपके पास लैपटॉप है। अब देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक में क्लिक करोगे तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद जो यूपीएससी की साइट है उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रजिस्ट्रेशन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या डिटेल आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम आपको वेरीफाई करना है, फुल नेम डालना है, जेंडर डालना है, मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर नेम मदर नेम, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। इसमें आपको बताया गया है कि पंजीकरण का प्रोसेस कैसे होगा। अब देखिए जैसे ये साइट ओपन होगी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको पंजीकरण कैसे करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन का आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका नेम, यानी यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी आपका 10th क्लास यानी कि 10th सर्टिफिकेट में उसके हिसाब से जो भी इसमें लिखा हुआ है ना वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है अपना नेम, यानी कि दोबारा से यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि अगर आपका नाम चेंज है या फिर आपका नाम सेम ही है तो आपको यस नो पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको आपका जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि आप जो यहाँ पर आपने फिल किया वो आपको यहाँ पर सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर जहाँ पर स्टार बने हुए हैं ये आपको भरना जरूरी है। आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, क्लिक करने के बाद जो भी डेट आपकी बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है, दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ वही सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको फादर नेम एंटर करना है, उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आपको दोबारा से लिखना है, मदर नेम एंटर करना है, दोबारा से मदर नेम लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, दोबारा से आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, दोबारा से वही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपका 10th क्लास में रोल नंबर मार्कशीट में लिखा होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, और आंसर में जैसे कि आपका मैथ है, साइंस है, जो भी आपका है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड नेम, यानी कि आपका बचपन में नाम क्या था, एक्स वाई जेड ए बी, जो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस आपका इस प्रकार आएगा। सबसे पहले आपका पंजीकरण होगा, उसके बाद देखिए आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जैसे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, आपका एक यानी कि पंजीकरण नंबर बनेगा। उसके बाद फिर आपको देखिए आना है, यहाँ पर लिखा रहेगा ऑलरेडी पंजीकरण, आपको फिर अपना ईमेल आईडी डालना है, ओटीपी डालना है, आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है वो यहाँ पर आपको डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे फिर आपका वेरिफिकेशन वाला आपका जो है स्टेप ओपन हो जाएगा। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना है, यानी कि आपको फीस भी कटवानी है। सभी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है यूपीएससी का, अगर आप फॉर्म भर रहे हो। अगर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी है। उसके बाद जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा देन उसके बाद देखिए आपका डैशबोर्ड आपका शो होगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है जहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल, अप्लाई एक्टिविट नोटिफिकेशन, ये अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये डिटेल आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से आप भर सकते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन इस यूपीएससी की पोस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, और दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड है उसको ये वीडियो शेयर करना ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपना यूपीएससी फॉर्म फिल कर सके। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।